तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने जा रहे हैं पाबन ब्रिज के बारे में। इस ब्रिज की खास बात है कि ये समुद्रों के बीचों बीच बना हुआ। इस ब्रिज को देखने के लिए दुनिया भर से काफी लोग हमेशा आते रहते हैं। ये ब्रिज 1914 में आवाजाही के लिए खोला गया था, लेकिन 1964 में हुई एक दुर्घटना के कारण इस ब्रिज को दोबारा बंद करा गया। आइए जानते हैं उस दुर्घटना के बारे में। ये बात है 1964 की। दिसंबर के महीने में एक साइक्लोन ने बहुत राज्य को अपनी चपेट में ले लिया। वो श्रीलंका के रास्ते होते हुए धीरे धीरे आ रहा था। उसी वक्त एक ट्रेन 105 यात्रियों को लेकर इस ब्रिज से गुजर रही थी। करीब 100 मीटर की दूरी पर सिग्नल में कुछ खराबी की आ रहे के कारण आगे सिग्नल रेड दिखा रहा था। वो ट्रेन पाबन ब्रिजों के बीचों बीच खड़ी थी। उसी समय बहुत जोरों से हवा चलने लगी। अंदर बैठे यात्री काफी डरे हुए थे। वो कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि ट्रेन समुद्र के बीचों बीच रुकी हुई थी। साइक्लोन को पास आता देख लोको पायलट काफी घबरा गया। उसी वक्त लोको पायलट ने देखा कि एक समुद्र की बड़ी लहर उनके पास आ रही है। उसी टाइम लोको पायलट ने एक रिस्क उठाया। उसने ट्रेन को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। जैसे ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, उसी वक्त एक बड़ी सी लहर ने पूरी ट्रेन को अपनी चपेट में ले लिया। ट्रेन में बैठे सभी यात्री बुरी तरह मारे गए और पाबन ब्रिज जो दुनिया भर में मशहूर था वो भी तहस नहस हो गया। उसके बाद इस ब्रिज को लेकर काफी अफवाह फैलने लगी और गवर्नमेंट को ये ब्रिज बंद करना पड़ा। लेकिन कुछ सालों बाद इस ब्रिज को दोबारा रिपेयर के लिए भेज दिया और ये रिपेयर होके आज फिर से खड़ा हुआ। आज इस ब्रिज से आवाजाही लगी रहती है। लेकिन आज भी जब इस ब्रिज के बीचों बीच कोई ट्रेन रुकती है तो ट्रेन में बैठे यात्रियों की सांस रुक जाती है और कुछ यात्री इनमें से बेहोश भी हो जाते हैं। तो दोस्तों आज का तो गया हमारा पूरा। नीचे कमेंट करके बताइए क्या आप में से कोई इस ब्रिज में जा रखा है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। की दसा बड़ी डेडी लैन पतलो सोचते समझ मुंडा पब चकदा।